महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी दी। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेंद्र कुमार ने बेटियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक षष्टि कांडपाल ने घरेलू हिंसा पॉक्सो एक्ट सहित महिला हेल्पलाइन के बारे में बेटियों को बताया। विद्यालय की प्रधानाचार्य माया आर्या ने आयोजन की सराहना करते हुए बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया। पूरी हो गई है, हम तुम्हारी बेटी को लेने आते हैं। हाँ, हाँ, ले जाए। क्या उसे ले जाए? माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। राम सिंह ये क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? वो अभी नाबालिग है और इसकी शादी तुम अभी नहीं करा सकते, वो अभी सिर्फ 12 वर्ष की है। राम सिंह ये क्या बोल रही है, तुमने तो तुरंत हो गया है। ये तो अभी नाबालिग है, आप इसकी बात तुम्हें नहीं आई। हम उसको ले जा रहे हैं। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम होते कौन हो? मैं कोर्ट की ऑर्डर लेके आई हूँ। यहाँ सबसे बड़ा कोर्ट मेरा है। ये देख लो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये है तुम्हारा कोर्ट, हम उसको ले जा रहे हैं। मैं भी नहीं जाना चाहती। आज हमारे द्वारा यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक बाल विवाह के ऊपर नुक्कड़ नाटक, साथ में बच्चों को जो भी बाल विवाह को रोकने और आगे को अपने परिवारजनों को समझाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर के सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान जी और अन्य स्कूल यहाँ पर GGIC इंटर कॉलेज के बच्चे, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और साथ में सभी कांडे कन्याल के क्षेत्र की यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं को बुलाया गया है, जिससे इस क्षेत्र में बाल विवाह को रोका जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो है बाल विवाह पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आज हमने यहाँ पे कांडा में GGIC कांडा में एक जागरूकता कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने मेनतः बाल विवाह के ऊपर यह कार्यक्रम था। इसमें हमने बालिकाओं को बाल विवाह से किस तरह से इसके दुष्परिणाम है और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है और क्या हमारे समाज की इसमें भूमिका है, इसकी विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो भी हम लोग अभियान चला रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी। अन्य योजनाएं जैसे नंदा गोरा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पे बालिकाओं को या फिर यहाँ पे विद्यालय स्टाफ एवं अन्य ग्रामीण को विस्तृत चर्चा करी। उम्मीद है कि जो हम ये छोटे छोटे सेक्टरों में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका लाभ सभी लोग लेंगे और जो हमारे विभाग महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, उसका अधिक से अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोग इसका लाभ उठाएं, इसी उम्मीद से हम आज ये कार्यक्रम संचालित किया। आज हमारे विद्यालय में जिला विकास परियोजना बागेश्वर के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर समझाया गया, बच्चों को इनके द्वारा वन स्टॉप सेंटर के द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया, कैसे महिलाएं सशक्त हो सकती हैं और इनके द्वारा आपातकालीन जो नंबर हैं उनकी सूचना भी विद्यार्थियों को दी गई। तो ये जो कार्यक्रम था बहुत सफल रहा और इससे हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। CCN न्यूज़ के लिए कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट।